राम राम बे सारे बहन भाइयों को, कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ बे, और आज आ गई हूँ मैं सुबह सुबह पार्क में घूमने के लिए। ये मौसम हो गया है बे ठीक, कोशिश करा करूँगी सुबह भी शाम ने भी दोनों टाइम घूमन आने की। कल नीरू कह रहा था छोटे वाला बेटा कि यहाँ का ना डैम है ना 70-70 साल की लेडीज भी बात जाए हैं, और आप लोग बोला घूम कर भी नहीं आ सकते। तो मैं जाया करूँगी, चिंता ना करे, डेली जा करूँगी घूमने। ये मौसम हो गया है बढ़िया, आगे फिर ज़्यादा ठंड हो जाओगी, तो यो सही मौसम है घूमने के लिए। और पतला होना जरूरी नहीं है इस उम्र में, हेल्दी रहना जरूरी है वे। मैंने बहुत सारी लेडीजों को देखा है जो इस उम्र में आकर वजन कम करें और फिर वो हमेशा बीमार रहे। तो वे वजन कम तो मैंने नहीं करना, मैं तो मजाक करें जाऊँ आप लोगों के साथ। होगा तो होगा, नहीं ना ही सी ऐसे नहीं करूँगी, बस अपना डेली रूटीन बनाऊँगी घूमन का। आ गई आज तो मैंने बना लिया है मन का सूता, आया करूँगी हर रोज चाहे कितने बजे भी आऊँ, घूम कर जा करूँगी जरूरी। चलो एक बड़ा चक्कर लगाऊँगी आज मैं एक, और धीरे धीरे बढ़ाऊँगी फिर कल डेढ़ परसों दो ऐसे करके बढ़ाया करूँगी। आज तो मैं एक ही चक्कर मार लूँ। लो बे जैसे बताऊँ थी कि एक ही मारूँगी, ये हमारा पार्क बहुत बड़ा है, मेरे ख्याल में 2 किलोमीटर के आसपास इसका एक चक्कर है, नहीं 1.5 किलोमीटर तो दाऊँ है बे, तो 1.5 किलोमीटर चलना तो सही हो जावे है, 2 चक्कर लग जाऊँ तो 3 किलोमीटर हो जावे। देखो ये भी एक्सरसाइज करने लग रहे हैं लोग इन झूलियाँ पर, मन्ना एक्सरसाइज से ज़्यादा घूमना पसंद है बे, एक्सरसाइज में कम करके खुश रहा करूँ, घूम कर ज़्यादा खुश रहा करूँ, हाथ पैर चलने चाहिए बढ़िया तरह। तो न्यू करके फिर मैंने आज एक के चक्कर लगाया, देखती हूँ कल से डेढ़ होया या 2 होंगे। तो बे कविता तो लग रही है हेयर स्पा करण, करीम रखी हमारे पास हेयर स्पा की, और वाह लगान लग रही है, देखो सारे काम घरा कर लिया। बस ये लगानी है, लगानी कविता है बस लगा कर छोड़ दो, कितनी देर? 10-15 ना, आधा घंटा घंटा तो छोड़िए कविता, फिर इसका फायदा के? एक घंटा 1.5 घंटा बांध ले भी इसना करके ना, और फिर धोइए। या करीम आवे है वे ऑनलाइन मिल जावे है करीम, या लगा लो, और फिर बाल कम टूटे से, आजकल हमारे बाल बहुत टूटन लग गए। तो कविता बोली ला लगा के देखते हो मम्मी, कुछ आराम लगेगा तो। लगा ली है वे कविता, देखो माथे में लगा कविता आगे सी थोड़ी सी, हाँ सही चौपड़ लिए। लो बे शाम के 6 बज रहे हैं ईब, मैर कविता कितने जान खातर कति तैयार हो रहे थे, देखो परस भी टांग रखे हमने तो, और निकलने ही वाले थे, इतनी देर में आ गई तेज बारिश, रह गए हम तो दोनों सासू बहू खड़ी खड़ाई। कुछ सामान लेके आना था, हमने कल जाना है काम में, तो हमने सोचा चल दोनों जनी सामान ले आते हैं। दिन की पूरे दिन की हो रही है दोपहर के बाद, आज तो पूरे दिन टपक 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 पूरा जड़ लगा दिया है। अभी तभी आ गई, एक बार तैयार हो पाचा ना भीतर बढ़न ना जी नहीं कराया करे, मैं तो बैठ गई अपने जूते जाते पैर बैठी। इब तो सुमित लेकर जाओगा हमने, उसने भी कुछ काम से बाहर जाना था, तो फिर हमने सोची चल इब तो उसके साथ थे जावांगे, देखते हैं तेज आएगी बारिश में, मारी गाल नहीं बनन देवे कति भी। और राम जी भी सुबह मैं कही थी ना पार्क में, इब तो मौसम ठीक हो रहा है, अब सुबह शाम घूम मैं करूँगी, बताओ कैसे घूमूंगी। चलो वे देखते हैं, सुमित का इंतजार कर रहे हैं, हम बैठे हैं उसके इंतजार में कब तक आता है, थोड़ी सी देर में आने वाला है, हॉस्पिटल जा रहा है वो, फिर उसके साथ निकलेंगे वे। हाँ
दस ले लो छोटी लागा तो। आधा डोसा खाओगी के बता दे। और यहाँ मैं श्री थी कविता ने मखा कविता डोसा खावा है के या डोसे की रेडी लगाया करे। बेमन ने इसे का डोसा पसंद है, जब भी कभी खाना हो ना तो मैं ये इसे का खा कर जाया करूँ। इब तो घने दिन हो गए दे पीछे मंगवाया था एक बार, जिस दिन आयरा और ने बनाया था डोसा तो मैं बोली मेरा भी जी कर गया, तो उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, उस दिन खाया था। वे घर बनाए भी घने दिन हो गए, इसी तो हमने बनाया है ना है, तो उस दिन पाछे फिर मेरा थोड़ा सा पेट सी में दर्द हो गया, जहाँ तो मेरा इब जी ना करया खाने में। मैं तो मजाक करी थी कविता खावे के, कविता ने घाटे पसंद है, कविता ना खा करे डोसा कम पसंद है कविता ने। फिर ऊपर से बारिश भी हो रही थी, फिर हमने सोचा ना को ना खांदे कविता, और वैसे भी बारिश में ना बाहर की चीज़ें कम खानी चाहिए, घर की बनी हुई चीज़ें खानी चाहिए। तो वे ले लिया हमने जो भी सामान लेना है, यूवाई पर भी ले लिया था एक टूट रहा था, और जो भी सामान लेना था ले लिया था। फिर हम बस थोड़ी देर में आधे घंटे में हम उल्टे आ लिए थे घर आई। और जिस दिन उस दिन हमें शायद तोला थे ना, उस दिन एक बेटी ने पूछ रखा था मशीन का बारे में, अमेजोन से मंगवाई बेटा, ये शायद 999 की 1000 के आसपास आई थी कि 1200 को आई थी, मेरा ध्यान नहीं। तो देखो इसमें जुमा कम से कम वजन भी तुल जावा है, ये देखो इब जीरो पे है ना, ये बटन दबाया मैंने उनका जीरो पे आएगी। और देखियो फोन का वजन भी बता देगी, देखो 200 ग्राम और कम चीज रखती हूँ मैं, देखा कम से कम चीज का वजन भी बता दे है। बढ़िया लगे मन्ने तो ये सूट साट जो कर भेजा है ना बे, तो ये सूटा का जैसे वजन करके भेजना पड़ा है किलो के हिसाब से, न्यू इसलिए मंगवा रखी है। देखांगे रुमाल का बताओगे कि देखो बे रुमाल का वजन भी बता दिया है इसने सहना, बढ़िया चीज सही है यार, बढ़िया लगी मैंने। पहले एक बार दूसरी मंगवाई थी मैंने, बिल्कुल ही छोटी सी थी वह, तो इतनी छोटी सी बिल्कुल ही वह को ना पसंद आई, फिर वह हमने रिटर्न करी, फिर मैंने यह मंगवाई भाई यह सही है, यह चार्ज भी हो जावे है और इसमें सेल डले हैं, ये देखो यहाँ है ये सेल डले हैं और चार्जिंग का पॉइंट भी है। कहाँ है इसका चार्जिंग का पॉइंट, शायद वहीं होगा खोल कर भी, चार्जिंग तो मैंने करी ना ही थी, सेल ले डाले हैं है, आई थी इसके साथ डोरी भी उधर ही नीचे ही होगी शायद, मन देखी को नहीं। यह चीज यह सही है वे, यह देखो यह कंपनी अगर किसी को मंगवानी हो कम से कम वजन तक भी तोलन का काम आ जाए है, और छोटी सी जो मैं हल्की सी कहीं भी उठा कर रख दिया। बताइयो फिर आप लोगों को कैसी लगी वह मशीन, तो थी मैं हमारे पास जो वेट तोलिया करा वह वाली, जो करी बालक बुलक जावे तो सामान सुमन तोलना पड़ा है, ऊ भी वेट करण थी वह मशीन तो लिया रखी थी, लेकिन उसमें ये सूटा के वजन ना तोलिया कर दे। मेरे ख्याल में मैं 5-6 किलो तो नीचे कोई चीज तोला ना तो वह दिखाया ना करती, तो ये भी जब सूट भेजन लगी तो फिर बड़ी दिक्कत हुई भी, फिर वो वह यहाँ दुकान पर तोल तोल कर लिया कर दी। पहले तो मैंने पता ना था, मैं ऐसे ही भेज दिया कर दी, मतलब आइडिया तो भाई 1 किलो का एक सूट में जो कर 1 किलो है, 2 सूट है तो फिर वो 2 ही किलो में आवे हैं, चाहे वो 1.25 किलो हो तो वो आवेंगे 2 ही किलो में, तो फिर न्यू आइडिया तो भेज दी। कई बार वो कंपनी वाले के करते मन करो होता 1.25 किलो बोल देते, 2 किलो से ज्यादा है तो वैसे दे देते मेरे को कि भाई मेरे पैसे काट लिया कर दे वो अकाउंट में, देख लो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी नहीं फ्रॉड करें जावे। इब्बी भी देख ले मैं वेट करके ना फोटो खींच कर ना अपलोड करूँ, फिर भी इब्बी भी वेट का भेज दे हमें मेरे पास कि ज्यादा वेट है, और उसके इब 30 रुपये कटेंगे। इब तो मैंने बेरा पट गया, इब मना आ गया, देखो धीरे धीरे सीखा है आदमी काम, एकदम तो माँ का पेट था तो देखो कोई सीखकर नहीं आंदा, यो करण लगे हाँ जब यो धीरे धीरे सारा काम, इब तो सारा बेरा पट गया मैंने, इब मैं ना कटन दें दी एक भी पीसा, इब तो मैं उसने रिजेक्ट करके ना, और जो मैं ये फोटो अपलोड कराया करूँ ना ये वाले फोटो फिर दोबारा से उनके पास डाल दूं कि देख लो, तो ये मेरे कोई पैसे ना कटते वे उसमें। चलो बे आज बताऊं थी जुकर फिर गुड़गांव में बारिश होगी, बेरा नहीं और राम जीव की बार के करके छोड़ेगा कोने घूमन पाई आज भी मैं कल सुबह तो चल कल सुबह तो हमने गांव में जाना है, शायद ना भी टाइम लगे कल, तो चलो फिर देखांगे देखो ये बरसेगा को रवेगा के करेगा राम जी। चलो भाई मिलती हूँ फिर मैं आ गई एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम। सबने जो चैनल पर नया हो चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया करो,
घंटी का बटन दबा दिया करो, अगर वीडियो अच्छी लगा तो भी लाइक भी कर दिया करो। राम राम बे सबने।